Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain your Flamingo books, English, chapter 2, Lost Spring, a stories of stolen childhood. तो ये स्टोरी जो है लॉस्ट स्प्रिंग, इसको क्यों कहा जाता है ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले कर देती हूँ. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब जो हमारा बचपन का दिवस है वो कैसे चोरी हो जाता है, खो जाता है कहीं पे, उस के बारे में ये स्टोरी है. एक्चुअली ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग्स, इसमें दो स्टोरीज जो है एक्सप्लेन किए हैं. एक जो स्टोरी है वो चाइल्डहुड की है और दूसरा जो है वो पॉवर्टी की है, यानी गरीबी की है. तो ये जो स्टोरी है इनके ऑथर है एनिस जंग. एनिस जंग उनका जन्म 1964 में, ये उनका जन्म 1964 में हुआ है. वो एक, उनका जन्म जो है वो राउरकेला में हुए हैं और उसका बचपन जो है वो राउरकेला में ही बीते हैं. एंड एबोर्जिनल्स इन हैदराबाद, 10 से 19 साल तक का उम्र उनको हैदराबाद में उनका बीती है. सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने हैदराबाद में एजुकेशन लेने के बाद अमेरिका में भी एजुकेशन लिए हैं. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही राइटर्स हैं. एनी जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. एनी जंग ने अपना जिंदगी की शुरुआत एक लेखिका तरीके से ही शुरू किया था. सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कम्युनिस्ट ऑफ मेजर न्यूज़पेपर. वो एक एडिटर भी है और बहुत सारे मेजर न्यूज़पेपर में वो एडिटिंग भी करते हैं और उसमें वो अपने थोड़े से कुछ आर्टिकल्स भी लिखते हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. एंड हैज़ ऑथर सर्वेयर बुक्स, और उसने ऐसे कुछ बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं. द फॉलोइंग इन एक्सपर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग्स, उनके इसी में से एक बुक्स है जिसका नाम का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग्स और ये स्टोरी भी लॉस्ट स्प्रिंग है. स्टोरीज फ्रॉम स्टोलन चाइल्डहुड यानी अपना बचपन, जो चोरी हो जाना या छीन जाना, इसके बारे में ये कहानी है. हियर सी एनालाइसिस द ग्रैंडिंग प्रॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेमन दिस चिल्ड्रन टू लाइफ एंड एक्सप्लेनेशन. उन्होंने एनालिसिस किया है कि गरीबी और उस गरीबी के जो परंपरा है वो बच्चे कैसे अपनी लाइफ को झेलते हैं उसके बारे में. तो चलो अब यहाँ पे हम लोग जो है मेन स्टोरी वो स्टार्ट करते हैं. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज. ये एक इंसान कह रहा है, बाद में उसके बारे में बताऊंगी, कि कुछ समय ऐसा होता है कि मैं गार्बेज के अंदर में भी मुझे एक रुपया जो है मिल जाते हैं. व्हाई डू यू डू दिस. तुम ये क्या कर रहे हो? आई आस्क साहिब. कौन पूछ रही है? ना जो हमारी ऑथर है एनी जंग, वो पूछ रही है साहिब को. हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग सराउंडिंग फॉर अ गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. वो कहता है जो सुबह सुबह हमारे आसपास में जो गार्बेज होते हैं उसके जो थूपाकार होते हैं, डम्प्स होते हैं, उसके अंदर से वो गार्बेज के अंदर से कचरा जो है वो बीनते हैं. ठीक है, यहाँ पे गोल्ड का मतलब होता है सोना नहीं, कुछ प्रीसियस थिंग. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहेब बहुत साल पहले अपना घर जो है छोड़ दिए हैं. सेट एडमाइज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. ढाका हम जानते हैं बांग्लादेश में है. ग्रीन फील्ड्स ढाका में उनका घर था, लेकिन उसने घर छोड़ के अब दिल्ली में जो है वो सेटल हो गए. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. दूर दूर तक उसके घर की यादें उसके अंदर नहीं है. देयर वर मेनी स्टॉर्म्स एंड स्विप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी ऐसा कहती है उसको कि बहुत साल पहले तूफान के वजह से पूरा गांव के गांव जो है उजाड़ हो गया, इसकी वजह से जो है उन लोग वहाँ छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो गए. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. इसीलिए वो शहर छोड़ के इंडिया में आ गए हैं और यहाँ पे आके दिल्ली में उन लोग रहने लगे हैं और ज़िंदगी जीने के लिए उन लोग जो गार्बेज से जो है कचरे बीनते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मैं कुछ भी नहीं करता, साहेब जवाब देता है. ही मटर्स लुकिंग एट गो टू स्कूल. वो चुपचाप कहता है दूसरे तरफ देख के. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली.
मैंने उसको पूछा, तुम स्कूल जाते हो? ग्लिबली का मतलब होता है बिना सोच समझ के बोलना। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, वो रियलाइज नहीं कर सकती इमिडिएटली वो जो साउंड है वो कैसा उसके अंदर जाता है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, हमारे आसपास में कोई स्कूल नहीं है। When they build one, I will go. क्या तुम स्कूल बनाओगे तो मैं वहाँ जाऊँगा। Yes, if I start a school, will you come? मैंने उसको पूछा कि अगर मैं स्कूल बनाऊँगी तो क्या तुम आओगे। I ask half joking. मैंने मजाक मजाक में उसको मजाक के अंदाज से उसको पूछा। Yes, he says smiling broadly. उसने हाँ बोला बहुत ही बड़े एक big smile देके। A few days later, कुछ दिन बाद I see him running up to me. मैंने देखा वो मेरे सामने दौड़ते हुए आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है, मैंने उसको कहा। इसे एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड, मुझे अपने आप पे भी बहुत गिल्टी महसूस किया। मैंने उसको ऐसा एक प्रॉमिस किया था जो कभी पूरा नहीं हो सकता, ये सोच कर मुझे बहुत शर्म आई। बट प्रोमिसज लाइक माइन अबाउट एवरी कॉर्नर इज ब्लैक होल, लेकिन मेरी प्रोमिस जो है उसके चारों तरफ एक अंधेरा छा दिया। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ मतलब महीना जाने के बाद जब मैं उसको अच्छे से जानने लगी, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहेब आलम, ही अनाउंसेस, उसने बहुत बड़े अनाउंसेस के साथ कहा कि मेरा नाम साहेब आलम है। ही डज नॉट नो वट इज मीन, उसको अपने नाम के बारे में भी नहीं पता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर वो अपने नाम का मीनिंग जानता। साहिब आलम का मतलब होता है पूरे विश्व में जो श्रेष्ठ होता है वो, तो उसको विश्वास होने में थोड़ा टाइम लगता। अनवेयर ऑफ व्हाट इज देम नेम रिप्रेजेंट, ही रूम्स द स्ट्रीट्स ऑन हिज फ्रेंड, वो पूरा दिन जो है अपने जो दोस्तों होते हैं उसके साथ गलियों में घूमते रहते हैं। एंड आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक अ मॉर्निंग बर्ड फ्रॉम अ डिसेंबर मून, वो बच्चे जो बगैर चप्पल के नहीं नंगे पैर के जो घूमते हैं सुबह से, सुबह में जैसे बर्ड्स निकल जाते हैं पूरे दोपहर तक वो ऐसे ही बगैर चप्पल के गली गली सड़कों में घूमते रहते हैं। ओवर द मंथ्स, एक बार महीने बाद आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, एक महीने बाद जब मैं उन सबको रिकॉग्नाइज करने लगी। व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क मी, तुम लोग क्यों चप्पल नहीं पहनते हो, जब मैंने उनसे पूछे। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ ही अवेयरनेस, ही आंसर सिंपली, उसने साधारण तरीके से जवाब दिया कि मेरी मम्मी जो है ना वो सेल्फ में से चप्पल नहीं उतारती है। इवन इफ सी डिड नॉट विल थ्रो देम ऑफ एट्स मदर टू वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, फिर उसकी जो दूसरे बच्चे हैं वो बच्चे ने कहा उसके दोस्त ने कि अगर वो पहन के भी उसकी मम्मी निकाल के भी देगी ना तो वो फेंक देगा। जो वो बच्चा जिसने जवाब दिया उसने दो चप्पल अनमैच पहने थे, मतलब एक चप्पल से दूसरे चप्पल मिलते नहीं थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफर्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने जब मैंने उसको ये पूछा तो वो चुप रह के अपने पैर को इधर उधर हिला रहा था। I want shoes, says the third boy who has never owned pair in his all his life. फिर तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे जूते चाहिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जूते नहीं पहने। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. मैंने ट्रैवलिंग करते हुए इसे बहुत सारे देशों में और सिटीज़ में मैंने देखे हैं कि गांव में जो बच्चे हैं या सिटीज़ में बच्चे हैं वो बगैर चप्पल के रहते हैं। It is not a lack of money, but addition to stays barefoot. इज वन एक्सप्लेनेशन, ये जो है उसने कहा कि पैसे का कोई बात नहीं है, एक्चुअली जो ये हमारा परंपरा है जो हम नंगे पैर घूमते हैं, ऐसा जवाब उनको सुनने को मिले हैं। आई वंडर इफ दिस अन ओनली एक्सक्यूज इट एक्सप्लेन अवर द प्रैक्टिकल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं जानती थी कि ऐसी भी एक एक्सक्यूज़ है जो एक्सप्लेन हो की है, बाकी तो पैसे की गरीबी की बात है। आई रिमेंबर अ स्टोरी मैन फ्रॉम UDP वंस टोल्ड मी, मुझे वो स्टोरी याद आ गया जो UDP के एक इंसान ने मुझे कहा था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल,
एक जवान लड़का जो स्कूल जाता था टेंपल के पास से, पुराने टेंपल के पास से, वेर इज फादर वॉज अ प्रेस्ट, जहाँ पे उसके पापा एक पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेंपल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. वो मंदिर के सामने जाके खड़े होते थे और अपने जूते के लिए जो है वो प्रे करते थे. 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द ईयर ऑफ डिजोल्यूशन. 30 साल बाद जब मैं वो शहर में उस मंदिर के पास गई जहाँ पे वो पूरा एकदम खाली खाली जगह था, पूरा बैकवर्ड था फील्ड जो था मंदिर का पीछे का, वेर आई लिव द न्यू प्रेस्ट, वहाँ पे जो है नए पुरोहित आ गए हैं. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी है. यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वहाँ पे एक लड़का ग्रे यूनिफॉर्म पहन के खड़ा है. वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने जो वहाँ पे जूते और मोजे पहने हैं. अराइट पेंटिंग एंड थ्रू दिस स्कूल बैग एंड फोल्डिंग बेड, उसने जो है वहाँ पे पहुँच के अपने जो बैग है वो फोल्डिंग बेड में फेंक देता है. लुकिंग एट द बॉय, मैं उस बॉय को देख रही थी. आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड अ गॉडेस व्हेन द फाइनली गॉट पेयर ऑफ शूज, मुझे तब वो प्रेयर याद आ जाते हैं जब एक लड़का जूते के लिए किया था. लेट मी नेवर लूज देम, भगवान ने जो है उसकी प्रेयर वो पूरा कर दिया. और वो ये भी कहता था कि कभी मैं वो जूते को ना खोऊं. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेमर, गॉडेस जो है उसके प्रेयर जो है उसको उसने उसकी इच्छा जो है विश जो है वो पूरा कर दिया था. यंग बॉयज लाइक द सॉन ऑफ पेरिस नाउ वेयर शूज, जो यंग बॉयज था वो पुरोहित का ही लड़का लग रहा था जो शूज पहना था. बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमाइन शूजलेस, लेकिन मेरे आजू बाजू के पड़ोसी जो रैक पिकर्स है कचरे बीनने वाले वो अभी भी शूजलेस है, मतलब बगैर चप्पल के. माई अकाउंटेंस विथ अ बेयर फुट रैक पिकर्स लीड्स मी सीमापुरिया प्लेस ऑफ द पेरीफरी ऑफ द दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. मेरे जो रैक पिकर्स दोस्त थे उन लोग सीमापुरी में रहते थे. अब जब मैंने उन लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करने लगा तो उसकी वजह से मुझे सीमापुरी जाने को मिला, जो एक दिल्ली में बहुत ही दूर है दिल्ली से, एक ऐसी जगह जो मतलब किनारे जमुना के किनारे बैठा मतलब जो है बसा हुआ है. Those who lives here, the squatters in the from Bangladesh back in 1971. यहाँ पे वो सब लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी. पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया के जो आज़ादी के बाद दोनों साथ में थे, फिर 1971 को बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी. तब उसके बाद शायद कुछ लड़ाई वगैरह हुए थे जिसके वजह से उन लोग अपने बांग्लादेश छोड़ के सीमापुरी सेटल हो गए थे. सीमापुरी वॉज द देन ऑफ वाइल्डनेस, तब जो सीमापुरी था बहुत खाली खाली एक लैंड जो वेस्ट लैंड जमीन था. इट स्टिल इज बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो जो है खाली नहीं रहा. इन स्ट्रक्चर सब मर्ड, वहाँ पे मिट्टी के स्ट्रक्चर बन गए थे विथ रूफ स्टीन एंड टर्पोलिन डिवॉइड ऑफ स्वेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स. उसमें मिट्टी के घर और छत पे तीन और जो है जो ट्रिपल होते हैं उसके जो है वो देखे घर बन गए थे और साइड में ड्रेन भी बन गए थे जहाँ से पानी बहते थे. वहाँ पे 10,000 जो है रैक पिकर्स यानी कचरे बीनने वाले रहते थे. दे हैव लिव्ड देयर मोर नो दैन 30 years विदाउट आइडेंटिटी, उन लोग 30 साल से बगैर आइडेंटिटी के यहाँ पे रहते थे. विदाउट परमिस बट विदाउट रेशन कार्ड्स एंड द गेट देयर नेम्स ऑफ वोटर्स, लेकिन उन लोगों को जो है रेशन कार्ड्स और वोट्स भी देने की वजह से सब कुछ मिल गए थे, जिससे उन लोगों को जो है खाने के लिए ग्रेन्स फूड ये सब मिलते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सके. ऐसी आइडेंटिटी लेकर वहाँ पे जीते थे. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अ फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एचिंग स्टोमक एंड द रेटर एयर देन द फील्ड्स गेव अस नो ग्रेन, से ग्रुप ऑफ वुमेन टेटर्स केयर्स इन द आसपास लाई लेफ्ट विथ फुल एंड ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स. उनके मम्मी कहते हम लोग को यहाँ पे खाने के लिए तो मिल जाते हैं, लेकिन वो दिन मुझे याद आ जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने एक ग्रेन उगते हुए देखते हैं और हमारा ब्यूटीफुल जो ग्रीन फील्ड्स नदी किनारे थे. व्हेनेवर दे फाइंड फूड एंड पिच देयर टेंट्स एंड बिकम द ट्रेनेस्ड होम्स, वहाँ पे जो है कभी कभी जो होता है उन लोग खाना ढूंढते हैं और जो अपनी ज़िंदगी वहाँ पे जो है गुजारा करते हैं. सर्वियर सीमापुरी मैन रैक पिकिंग, और उन लोग काम के वजह से जो सर्वे करते हैं कचरा बीनने का. थ्रो देयर आइज इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोजल्स ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज देम इज गोल्ड,
कुछ साल बाद जो है उन लोगों ने ये जाना कि गार्बेज से जो है कुछ हमको प्रीसियस थिंग्स मिलेंगे जिसको बेच कर हमको पैसा आएगा और हम जो है अपनी गुजारा करेंगे. इट इज़ देयर डेली ब्रेड और रूफ ऑफ देयर हेड्स एंड इन द इवर लिकिंग रूफ बट इज द चाइल्ड ऑफ एवरी मोर. उन लोग के जितने भी बच्चे हैं उन लोग रोज़ ही ये काम करते हैं ताकि जो है उन लोगों को खाने के लिए खाना और रहने के लिए जो छत मिले और वो यही ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं. तो बच्चों आज का जो लेक्चर है पार्ट वन यहीं तक है. नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके जो दूसरे पार्ट है और ये स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी. इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ अच्छे से ये चैप्टर आपको रीड करने हैं. ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है यहीं पर ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके दूसरे पार्ट एक्सप्लेन करेंगे. सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय.